नमस्ते साथियों, राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा अति आवश्यक पत्र जारी किया गया। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, अति आवश्यक इस पत्र में लिखा हुआ है और यह पत्र 22 सितंबर 2024 को मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता मूल्यांकन परीक्षा जो कि जो असाक्षर है जिन्होंने अक्षर साथियों के द्वारा अक्षर पोथी पर अध्ययन किया है, ठीक है, जो चिन्हांकित है उनकी परीक्षा होना है। और ये विस्तार के साथ में जानकारी दी गई इस पत्र में, इस पत्र का आप अवलोकन कर सकते हैं। यह पत्र 29 अगस्त 2024 को जारी किया गया है, ठीक है। तो आप इस पत्र को पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं और पूरी जानकारी को पढ़ सकते हैं। जो महत्वपूर्ण जानकारी है इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने जा रहे हैं वो ये है कि ऐसे कौन से व्यक्ति होंगे जो इस परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र होंगे। और जो ये जो पत्र है इसकी विषय वस्तु क्या है कि उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम अंतर्गत 22 सितंबर 2024 को मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता मूल्यांकन परीक्षा आयोजित करने विषय, ठीक है। और यहाँ पर प्रश्न पत्रों के मुद्रण से संबंधित जानकारी दी गई। और पीछे तरफ आप देखेंगे यहाँ पर तो उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम अंतर्गत राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण एवं NIOS के माध्यम से आयोजित मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता मूल्यांकन परीक्षा दिनांक 22 सितंबर 2024 हेतु आवश्यक निर्देश। तो यहाँ पर आवश्यक निर्देश दिए गए हैं जिसमें जो महत्वपूर्ण बात है इस वीडियो के माध्यम जो हम आपको देने जा रहे हैं वो ये है परीक्षा में सम्मिलित होने वाले शिक्षार्थियों की पात्रता कि ऐसे कौन लोग पात्र होंगे जो इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं, ठीक है। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये जो जानकारी है हमारे उन व्यक्तियों के लिए भी आवश्यक है जिन्होंने विद्यालय में पढ़ा तो है किंतु उनके पास में किसी प्रकार का प्रमाण पत्र या अंक सूची वगैरह नहीं है, उसके लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण यह पत्र है, ठीक है। अभी हम आगे बताएंगे कि यह उनके लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा कौन लोग शामिल होंगे, नव साक्षर कौन कि वे शिक्षार्थी जो उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम अंतर्गत सर्वे के द्वारा चिन्हांकित किए गए हों तथा अक्षर साथियों के द्वारा नामांकन किया जाकर साक्षरता राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण तथा द्वारा IPCL पद्धति से तैयार की गई उल्लास अक्षर पोथी प्रवेशिका से अध्ययन किया हो, ऐसे नव साक्षर इस परीक्षा में सम्मिलित होंगे। दूसरा ये है पूर्व के नव साक्षर, पूर्व में जो नव साक्षर हो चुके हैं वे भी सम्मिलित हो सकते हैं। उसके बारे में बताया गया है कि साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित कक्षाओं में वे शिक्षार्थी जिन्होंने प्रवेशिका पूर्ण कर अंतरिम मूल्यांकन में सफलता अर्जित की हो किंतु प्रमाणीकरण नहीं किया जा सका हो, उन्होंने सफलता तो अर्जित कर ली है किंतु उनका प्रमाणीकरण नहीं हो सका है तो वे भी इस मूल्यांकन में सम्मिलित हो सकते हैं। आगे वे लोग सम्मिलित हो सकते हैं ऐसे व्यक्ति जो पूर्व में शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है हमारे उन साथियों के लिए जिन्होंने विद्यालयों में अध्ययन तो किया है किंतु उनके पास में किसी प्रकार की भी अंक सूची नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति भी इसमें सम्मिलित होकर के अपनी शिक्षा का एक प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए क्या कहा गया है कि उनके पास किसी प्रकार का प्रमाणीकरण न हो, यदि मार्कशीट या जो भी शिक्षा से संबंधित प्रमाणीकरण होता है, ठीक है, तो वो नहीं है तो वे शामिल हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को प्रमाणीकरण हेतु इस परीक्षा में शामिल किया जा सकता है किंतु इसकी एक शर्त भी है कि उसकी आयु 15 वर्ष से अधिक हो, 15 वर्ष कम है तो ऐसा जो बालक है वो शामिल नहीं हो सकता है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे उन साथियों के लिए जिनके पास पढ़े लिखे तो हैं, ठीक है, और पूर्व विद्यालय में गए हैं किंतु उनके पास कोई मार्कशीट वगैरह नहीं है तो वे भी शामिल हो सकते हैं। और आगे कहा गया कि ऐसे असाक्षर जिनमें यूनेस्को की परिभाषा के अनुसार, यानी ऐसे व्यक्ति जो कि साक्षरता के लिए यूनेस्को के द्वारा जो परिभाषा जारी की गई है कि उनके साथ क्या कहा गया कि मुद्रित एवं लिखित सामग्री का उपयोग, जो मुद्रण की गई छापी की सामग्री है या हाथ से लिखी गई सामग्री है उसको उसका उपयोग करने में, उसको पहचानने में, उसको समझने में या उसकी व्याख्या करने में, उसको बनाने में या उस पर संवाद करने में या गणना करने की क्षमता उनके अंदर नहीं है तो ऐसे व्यक्ति भी इस
परीक्षा में शामिल होंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी और पत्र तो बहुत विस्तृत है और यहाँ पर जिला स्तर पर तुथर पत्र एवं नामांकन प्रपत्र मुद्रा से संबंधित जानकारी दी गई है। ठीक है, फिर आगे आप देखेंगे यहाँ पर उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन से संबंधित जानकारी दी गई है, परीक्षा कक्ष में पर्यवेक्षण, ठीक है, परीक्षा का समय, मॉनिटरिंग, परिवहन के संबंध में जानकारी दी गई है, डाटा का संकलन और डेटा प्रेषण संबंधी जानकारी विस्तार के साथ दी गई है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो मूल्यांकन जो परीक्षा कार्यक्रम है, ठीक है, उसका अनुवीक्षण पत्रक भी यहाँ पर दिया गया है। तो ये विस्तार के साथ में ये जानकारी दी गई है, ठीक है, और ये प्रपत्र भी यहाँ पर दिए गए हैं, जैसा कि नव साक्षरों की परीक्षा समय भरे जाते हैं तो ये प्रपत्र भी यहाँ पर दिए गए हैं। तो हमारे जो नोडल अधिकारी हैं, शिक्षक साथी हैं, ये इस पत्र को पोर्टल से डाउनलोड करके पूरा अध्ययन कर सकते हैं और जानकारी के अनुसार परीक्षा का संचालन करा सकते हैं। आज के इस वीडियो के बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।